हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम खेल सिंह चौहान फ्रॉम गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल नाथारामगढ़। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल लर्न लेसन नंबर फर्स्ट, द फन दे हैड एंड इट्स पैराग्राफ नंबर फिफ्थ एंड सिक्स्थ फ्रॉम योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक बीहाइव। लेट अस स्टार्ट विद पैराग्राफ नंबर फाइव। इससे पूर्व हमने पढ़ा कि काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया और काउंटी इंस्पेक्टर ने आने के बाद उस मैकेनिकल टीचर को खोला और उसको ठीक कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर बाद में ही वाज फिनिश्ड, जब इंस्पेक्टर ने काम समाप्त कर दिया तब वह मुस्कराया और मार्गी के सिर को उसने थपथपाया, पैटेड एंड थपथपाया। ही शेड टू हर मदर, और उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह छोटी लड़की की फॉल्ट नहीं है, गलती नहीं है, मिसेज जॉन्स यह छोटी लड़की की गलती नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, मेरा ख्याल है, आई थिंक मैं सोचता हूँ या मेरा ख्याल है, द ज्योग्राफी सेक्टर भूगोल का जो सेक्टर था, भाग भूगोल का भाग, वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, थोड़ा तेज चल रहा था, थोड़ा तेज चल रहा था, गियर्ड यानी चल रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कभी कभी घटित हो जाती है, दोस्त थिंग ऐसी चीज़ें हैपन समटाइम्स, कभी कभी घटित हो जाती है, यानी ऐसी बातें हो जाती है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने इसे औसतन, एवरेज औसतन 10 वर्ष के स्तर तक के बच्चे तक इसे धीमा कर दिया है, स्लोड यानी धीमा कर दिया है, अप टू एन तक, कितने तक, 10 वर्ष के औसतन लड़के के लेवल तक। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, इसकी प्रोग्रेस की यानी इसकी प्रगति का संपूर्ण नमूना, ओवरऑल पैटर्न संपूर्ण नमूना, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, बिल्कुल संतुष्टिदायक है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने फिर मार्गी के सिर को पेटेड किया, अर्थात थपथपाया। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश थी, डिसअपॉइंटेड है निराश थी। शी हैड बीन होपिंग, वह आशा कर रही थी, क्या आशा कर रही, क्या उम्मीद कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वे अध्यापक को पूर्णतया बाहर निकाल देंगे, दे वुड टेक अवे ऑल टुगेदर द टीचर, मतलब इस अध्यापक को फोन से बाहर निकाल लेंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, एक बार उन्होंने टॉमी के अध्यापक को लगभग एक महीना बाहर निकाले रखा, नियरली यानी लगभग, एक मंथ एक महीना तक, टेकन अवे बाहर निकाले रखा टॉमीज टीचर को, बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसके इतिहास के पूरे भाग का सफाया हो गया था, ब्लैंक्ड आउट यानी सफाया हुआ था कम्प्लीट पूर्णतया। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई विद्यालय के विषय में क्यों लिखेगा, वाई यानी क्यों, वुड राइट लिखेगा, एनीवन यानी कोई, अबाउट स्कूल कोई विद्यालय के विषय में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसकी ओर गर्व से देखा, लुक्ड देखा, एट हर यानी उसकी तरफ, विथ वेरी सुपीरियर आइज गर्व भरी आँखों से, यानी श्रेष्ठता से देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि यह हमारी तरह का विद्यालय नहीं है, मूर्ख स्टूपिड यानी मूर्ख। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह एक प्राचीन प्रकार का स्कूल है, दैट द हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो,
जो कि सैकड़ों वर्ष पूर्व हुआ करते थे। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स एगो का मतलब सैकड़ों वर्ष पूर्व हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टीली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, उसने गर्व से जोड़ा। ही एडेड लॉफ्टीली, लॉफ्टीली का मतलब गर्वपूर्वक, प्रोनाउंसिंग यानी उच्चारण करते हुए, द वर्ड केयरफुली इस शब्द का ध्यान से यानी सावधानी से उच्चारण करते जोड़ा, सेंचुरीज एगो सैकड़ों वर्ष पूर्व। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी आती, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, अच्छा मुझे नहीं पता वर्षों पूर्व कैसे विद्यालय होते थे। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, वर्षों पूर्व कैसे विद्यालय होते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए व्हाइल, उसने उसके कंधे पर से कुछ समय के लिए वह पुस्तक पढ़ी। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए व्हाइल, उसने उसके कंधे पर से कुछ समय के लिए वह पुस्तक पढ़ी। देन सेड, तब कहा, एनीवे दे हैड ए टीचर, जो भी हो उनका एक अध्यापक भी था। श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉजंट ए रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन, निश्चय ही, श्योर ए निश्चय ही द हैड ए टीचर, उनका एक अध्यापक होता था, बट इट वॉजंट ए रेगुलर टीचर, किंतु वह नियंत्रित अध्यापक नहीं था जैसा कि हमारे पास है नियंत्रित रेगुलर टीचर। इट वॉज ए मैन, तो कौन था, वह एक मानव था। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक मानव अध्यापक कैसे हो सकता है। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक अध्यापक कैसे हो सकता। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस, अच्छा वह छात्र छात्राओं को कुछ बातें बताता था। ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, वह छात्र छात्राओं को इन लड़के लड़कियों को कुछ बातें बताता था। एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनको होमवर्क देता था और क्वेश्चंस पर्सन भी पूछता था। ओके, आज हम इतना ही पैराग्राफ पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, अगले नेक्स्ट टर्न पर आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे। थैंक यू।